आपके बारे में क्या गॉसिप चल रहा है राइट नाउ, क्या बातें हो रही हैं आपके बारे में करंटली, चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, लेट्स सी कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या गॉसिप हो रहा है. अच्छा, लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, हो सकता है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ऐसा मानना है लोगों का. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद आउट ऑफ नोवेयर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप आते दिनों में देख रहे हो, और शायद आपको ऑलरेडी काफ़ी लोगों को आपको देख के लगता है कि शायद आपने रिसेंटली कोई मनी विन किया है, चाहे इनहेरिटेंस में है, चाहे कुछ वर्कआउट किया है, कोई अच्छी जॉब लगी है आपकी, और आपकी उस मनी मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा गपशप हो रही है लोगों के बारे में. लोगों का टॉक ऑफ द गॉसिप जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये बात आपके पैसों को लेकर. लोगों को लग रहा है कि आप सडनली कुछ अच्छा हुआ है आपकी ज़िंदगी में जिससे आप रिच हो गए, आपके हाथ में कोई जैकपॉट लगा है, ऐसा ऐसी बातें हो रही हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लोगों को लग रहा है कि शायद आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल जो है वो अबंडेंस उनको आते दिख रही है. आपका रहना सहना लोग उसके बारे में भी काफ़ी बात कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अपेयरेंस, आपकी वे ऑफ बींग से लग रहा है कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया है इन रिसेंट टाइम्स. तो इस तरह की बातचीत हो रही है आपके बारे में. सच्ची मुकाज है हॉन्टेड मेमरीज, फ्लैश बैक्स, ट्रामा, साइड इफेक्ट्स. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लोग आपके पास्ट के बारे में और आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं. उनको लग रहा है कि पास्ट में शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, लेकिन अभी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिचुएशन अचानक से बहुत अच्छी हो गई है. सो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही. उनको लग रहा है कि उनको पास का कंपैरिजन आ रहा है बार बार जहन में. सो आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आपको आउट ऑफ नोवेयर एक सडन वेल्थ मिली है, या फिर ऐसा लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ है. अच्छा, अगर उनका ऐसा मानना है और ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए कुछ ऐसा फाइनेंशियल अबंडेंस आना जो कि शायद अभी आया नहीं है, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग है कि ये हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आपके लिए लकी प्रूव होगा. इनका ऐसा बात करना, ऐसा मानना आपके लिए अच्छा हो जाएगा. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके बारे में एक और बात अगर जो मुझे लग रहा है कि हो रही है वो है आपकी लव लाइफ के बारे में. कुछ लोगों को लगता है कि आपकी लव लाइफ हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लैक मैजिक या इस तरह की एनर्जीज के साथ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रामास चल रहे हैं, या फिर हो रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में भी बातचीत हो रही है. एक तो आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, लव लाइफ थोड़ा उसमें जो है वो एक लोअर साइड पे जो है लोअर स्पाइरल में देख रही हूँ. सो उसके बारे में भी काफ़ी बातचीत हो रही है कि जैसे आप अपनी लव लाइफ में सक्सीड नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियली आपको मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए था या आप अचीव कर रहे हो, लेकिन जो अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको आपने ज़्यादा फोकस या तो काम को दिया है, उसकी वजह से आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस हुई है, या फिर आपकी आपकी लव लाइफ में हमेशा से कोई ना कोई बैड एस्पेक्ट रहा है जिससे आपकी लव लाइफ बैडली इन्फ्लुएंस रही है. हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ों का इन्फ्लुएंस हो सकता है, विलाय एनर्जी या इस तरह की चीज़ों का, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके स्पेसिफिक समवन, स्पेशली एक्सेस जो हैं वो भी आपके बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं. उनको लगता है कि आपके साथ जो उनका पास रहा है वो काफ़ी ट्रामाटाइज रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ, और इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है उनकी लाइफ में. और आपको देखो तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप अपने आपको बहुत फाइनेंशियली स्टेबल करते हुए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका आप जब तक उस इंसान के साथ है उस इंसान के साथ सिचुएशन काफ़ी ख़राब रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन, इसको लगता है कि आपका आप जब से उनको छोड़ के गए हो आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हो. सो जबकि वो आपके साथ अपना जब पास को सोचते हैं या देखते हैं तो उनको लगता है कि यू हैड नथिंग. सो इस तरह की कोई गॉसिप भी चल रही हो सकती है आपके एक्सिस की तरफ से. लेट्स टेक लास्ट कार्ड. और क्या गॉसिप चल रहा है आपके बारे में? फिशिंग फॉर कमेंट. लोगों को लगता है कि आप लोगों से ओपिनियन लेने के लिए आप जानबूझ के जैसे अपनी अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना होता है, तो लोगों को लगता है कि आप उस तरह के नेचर के मालिक हो. वो ऐसी गॉसिप भी करते हैं आपके बारे में कि उनको लगता है कि आप अपनी तारीफ सुनने के लिए आप अक्सर जो है अपने अपने बारे में कहोगे नहीं मैं अच्छी नहीं लग रही ना शायद, या मैं ऐसा नहीं कर रही, शायद मैं और सक्सेस शायद मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा, ताकि लोग आपके बारे में आपकी तारीफों के पुल बांधना शुरू करें. सो ऐसा भी गॉसिप चल रहा है आपके बारे में. सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय.